वर्षांत समीक्षा करंट अफेयर्स के इस एपिसोड 3 में आज हम यहां पर एक और मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2022 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा जाए तो आज का यहां पर टॉपिक है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो वर्षांत समीक्षा इस वर्ष की प्रस्तुत की गई है उसको देखा जाएगा कि क्या रहा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। पेयजल जो स्वच्छता विभाग इनके अंतर्गत ही आता है तो वहां पर इस रिपोर्ट उनके अंतर्गत ही यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। क्या क्या विशेष रहा, क्यों चर्चा में है, क्या क्या योजनाएं इन्होंने साल भर में प्रस्तुत की हैं, उससे संबंधित यहाँ पे क्या आंकड़े रहे हैं, इन सभी को हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेष। देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं सभी लिखे हुए हैं जो हमें यहाँ पर अभी डिस्कस करने हैं और जो भी इन साल यहाँ पर अभी इनके द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए या उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले देखिए जैसे हमने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो उनके अंतर्गत आने वाला आपका पेयजल और स्वच्छता विभाग है उनके द्वारा ये रिपोर्ट या वर्षांत समीक्षा यहाँ पे 2022 की प्रस्तुत की गई है। और सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक इन्होंने रखा है कि जल जीवन मिशन से संबंधित उपलब्धियों की चर्चा इन्होंने अपने वर्षांत समीक्षा में की है और बताया है कि करीब यहाँ पर 10.76 करोड़ जो कि 55.62% है वो 21 दिसंबर 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने इतने परिवारों को या ग्रामीण परिवारों को एक नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नल जल कनेक्शन यहाँ पे प्रदान कर दिया है। तो एक बड़ा यहाँ पे आंकड़ा है करीब 10.76 करोड़ जो कि बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कार्य किया जा चुका है। किन किन राज्यों में ये कनेक्शन हुए हैं तो देखिए गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आपका पुडुचेरी है, दमन द्वीप है, दादर और नागर हवेली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर भी देखा जाए तो हर घर जल के रूप में यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जहाँ प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी के या नल के माध्यम से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है, उसका प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगस्त 2022 में गोवा जो है वो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है और दादर नागर हवेली जो है, दमन दीव है, वो भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश है। ये फैक्ट है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको काफी आते हैं तो ये चीजें काफी पूछी आती हैं, पहला क्या रहा है काफी सारी योजनाओं में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का देखा जाए तो बुरहानपुर जिला जुलाई 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला यहाँ पर बना है। तो ये 3 फैक्ट है, पहला हर घर जल के संदर्भ में, पहला राज्य, पहला जिला और पहला केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा हर घर जल प्रमाणन को लेकर भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है कि इसके लिए यदि किसी गांव को हर घर जल घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद उस गांव की ग्राम पंचायत विशेष सभा का आयोजन करती है, गांव के सभी सदस्यों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके गांव के सभी घर, स्कूल, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक संस्थानों में क्रियाशील नल कनेक्शन है, इस प्रकार स्वयं को हर घर जल प्रमाणित घोषित करना है। तथा ये सुनिश्चित करना होगा और ऐसा नहीं कि घर पंचायत सदस्य यहाँ पर कर देंगे बल्कि गांव का प्रत्येक जो व्यक्ति है वो यहाँ पे इसमें शामिल होगा, वो खुद बताएगा हाँ उसके यहाँ है या नहीं है और जब ये होगा सिस्टम तभी हम उसे यहाँ पे प्रमाणित करते हैं। तो एक अच्छा यहाँ पर एक पारदर्शी एक तरीका इसमें अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अगला इसमें कॉन्सेप्ट है GAES प्रभावित यहाँ पर जिलों में पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन को भी यहाँ पे कवरेज को बताया गया कि कितना आंकड़ा जो है वो कवर किया जा चुका है। भारत के सरकार के जल जीवन मिशन के तहत ही यहाँ पर सभी को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जो कि खासकर जापानी एंसेफलाइटिस, एक्यूट एंसेफलाइटिस से प्रभावित जिलों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AES यहाँ पर कहते हैं, JE और AES। 5 राज्यों में अगर हम देखें तो JE और AES के प्रभावित टोटल 61 जिले यहाँ पर आते हैं और जिनमें नल जल कनेक्शन के 8 लाख करीब 2.69% यहाँ पर जो आंकड़ा है से बढ़कर ये आपको 147.14 लाख जो कि परसेंटेज वाइज देखिए तो 49.29% हो गया है और इन क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य में भी लगातार एक सुधार की स्थिति आपको देखी गई। तो एक अच्छा यहाँ पे पहल जो बीमारी के कारण होता है कि पानी, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है लोगों को, उसके कारण जो समस्याएं हुई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जापानी एंसेफलाइटिस और एक्यूट सिंड्रोम से यहाँ पर बचाने के दृष्टिकोण से ये प्रयास आपका एक सराहनीय स्तर पर देखा जा सकता है। तो आंकड़े यहाँ पे ध्यान रखना, ये 5 राज्यों में है, 61 जिलों में इस तरह के JE और AES के केसेस मिलते हैं और यहाँ पर जो कनेक्शन है वो बढ़ाकर करीब 49.29% तक किया जा चुका है। जल गुणवत्ता जांच और निगरानी की स्थिति को लेकर भी देखा जाए तो देश में कुल 2074 जल परीक्षण आपकी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें 1000 राष्ट्रीय परीक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड यहां पर आपको मान्यता प्राप्त किए जा चुके हैं। तो ये डेटा है कि कितने हमारे यहां बोर्ड या कह सकते हैं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों से संबंधित भी डेटा यहां पर विभाग के द्वारा दिया गया है
जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो ग्राम जल स्वच्छता जो समिति है के गठन की सुविधा के लिए कार्यान्वयन सहायता समिति को यहाँ पर गठित किया जाता है, और ये जो है पंचायतों की सहायता करते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो सामुदायिक संगठन के लिए भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन के तहत यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रदान करते हैं, उनके लिए योजना इत्यादि आपको तैयार करते हैं, और सहायता और बुनियादी ढांचे के निर्माण की गतिविधियों को में भी यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा कर रहे हैं। उसे लगभग 14,000 आपको जो है आईसे अर्थात कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों को के रूप में यहाँ पर फील्ड में आपको लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से ये सारी क्रियाविधियों को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ यहाँ पर देखिए, वॉश विशेषज्ञ के बारे में यहाँ पर डेटा आया है कि राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता गुणवत्ता केंद्र को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में राज्यों को जमीनी सच्चाई और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों की सूची बनाई जाएगी और उनकी तैनाती का काम यहाँ पे सौंपा जाएगा कि आपको कहाँ किन राज्यों में कितने लोगों को यहाँ पे नियुक्त करना है। वर्ष 2022 में देखा जाए तो इसके तहत अब तक 62 टीमों ने में लगभग 1,035 गांवों का यहाँ पर दौरा ऑलरेडी कर लिया है। पेयजल आपूर्ति और जल गुणवत्ता हेतु प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी यहाँ पर देख लेते हैं। जेएएम के नेतृत्व वाले कार्यान्वयन हेतु विभिन्न तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जल वितरण प्रणालियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जलभूत पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, जलाशय डिसिल्टिंग और अन्य स्रोत स्थिरता उपायों को इसमें लागू किया जा रहा है। पर्यवेक्षी नियंत्रण डेटा अधिकरण अधिग्रहण के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो आपको रिमोट सेंसिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों का भी यहाँ पर उपयोग करना, उनके माध्यम से लेखांकन करना, जल की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, जल संसाधन योजना को देखना और उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना जैसी चीजों के माध्यम से जलवायु को यहाँ पर लचीलापन बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। अगला इसमें है शिकायत निवारण तंत्र को लेकर के, कि जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को भी स्थापित किया गया है और लोक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत को यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। तथा अगर आपको पेयजल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है या यहाँ पर अन्य तरीके की चीजें हैं तो आप यहाँ पर सीपीजी या सीपी ग्राम्स के तहत यहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। जल जीवन संरक्षण टूल किट भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति ने 21 अक्टूबर 2022 को जल जीवन सर्वेक्षण टूल किट और डैशबोर्ड को यहाँ पर लॉन्च किया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का उद्देश्य है राज्य जिला पदाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन बेहतर जल सेवा वितरण के लिए प्रयास करने हेतु यहाँ पे प्रोत्साहित करना। अगला देखिए यहाँ पे है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो देखिए ये प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था देश के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय से युक्त बनाना है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात 2 अक्टूबर 2019 तक देश के में खुले में शौच से मुक्त बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था। और देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों ने खुद को ओडीएफ मुक्त घोषित यहां पर किया है। उपलब्धियां जो हैं वो भी इसमें देख लीजिए। 1 जनवरी 2022 से 20 दिसंबर 2022 के बीच 1.25 लाख गांवों में को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। तरल अवशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए सुजलाम अभियान शुरू किया गया। सुजलाम 1.0, सुजलाम 2.0 अभियानों के तहत करीब 23 लाख से अधिक सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गोबरधन पहल के तहत जनवरी 2022 से समुदाय स्तर पर 96 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। गोबरधन योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना है, पशुओं को अवशिष्ट सहित जैव अवशिष्ट कृषि अवशेषों को बायोगैस में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा उत्पन्न करना और ग्रामीण जीवन में यहाँ पे सुधार करना एक प्रमुख लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है। पेयजल और स्वच्छता विभाग को अगर हम देखें यहाँ पे तो गोवर्धन के कार्यान्वयन का समन्वय कर जिसमें बायोगैस संपीड़ित गैस तथा सीबीजी के क्षेत्र में सक्षम वातावरण बनाना, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को शामिल करते हुए वेस्ट टू वेल्थ पहल हेतु यहाँ पे प्रयास किया जाना है। टूल किट देखा जाए तो यहाँ पे आपको ट्विन पिट अभियान के लिए यहाँ पे रेट्रोफिट की बात यहाँ पर की गई है, जो कि 2 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर केंद्रीय जल मंत्री ने ट्विन पिट अभियान के लिए रेट्रोफिट का शुभारंभ किया, जो कि एक तरीके का सिंगल पिट टॉयलेट को ट्विन पिट टॉयलेट में रेट्रोफिट करने के एक सरल ऑन साइट पद्धति के माध्यम से मल व कीचड़ को सुरक्षित निपटान को बढ़ावा देना है।
2 अक्टूबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक अभियान के पहले चरण में राज्यों ने करीब के दौरान राज्यों ने 97% गांवों का आधारभूत मूल्यांकन यहां पे पूरा कर लिया है इसके तहत। इसके अतिरिक्त स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 को लेकर भी यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे बताया गया है कि राज्यों के जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, तो SPMG चरण द्वितीय की प्रगति का पता लगाने के उद्देश्य से देखा जाए तो 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत जिला स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और साथ ही साथ अधिक सहभागी बनाने के लिए ग्राम पंचायतें ODF प्लस मानदंडों पर ग्रामों का स्व मूल्यांकन भी यहां पर कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय का यहाँ पे स्वच्छता एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पर साल भर में जो भी कार्य किए गए हैं, अभियान चलाए गए हैं, योजनाएं पहले चल रही थी उससे संबंधित यहाँ पर डेटा इत्यादि उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज हमने वर्षांत समीक्षा के अंतर्गत इस भाग को देख लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और यहाँ पे मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा का निष्कर्षण करेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच और गुड लक।